गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा चलो हम लोग अपना जो लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इस लेसन में हम लोगों ने कवर कर लिया था टॉपिक को कहाँ तक, तो डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल तक, यानी एक ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। और ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर में अगर रिविजन के तौर पर आगे चले हम लोग, तो एक अगर हम लोग ओव्यूल्स के देखें तो ओव्यूल्स में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट आया था, तो हम लोगों को आया था बेटा फ्यूनिकल, दूसरा पॉइंट आया था हाइलम, थर्ड पॉइंट आया था इंटीगुमेंट्स एंड फोर्थ पॉइंट आया था न्यूसेलस। नेक्स्ट पॉइंट आया था न्यूसेलस के बाद में माइक्रोपाइल, एंड इसके बाद में माइक्रोपाइल के बाद में चलाजा पोल, और उसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ये सारे पॉइंट को हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट किया था इसको, ओके। और एक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक का है वह हम लोग इस तरह से कुछ ये देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक, तो ये आउटर इंटीगुमेंट्स, इनर इंटीगुमेंट्स, ये न्यूसेलस और ये एम्ब्रियो सैक। तो आगे हम लोगों को आज टॉपिक ही स्टार्ट करना है कि द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या उसका नाम होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चले हम लोग, अब आज हम लोग का टॉपिक है मेगा एस्पोरोजेनेसिस। मेगा एस्पोरोजेनेसिस की हम लोग जब बात करते हैं तो मेगा एस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा एस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, तो मेगा एस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा एस्पोरोजेनेसिस। तो जब एक मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इसमें होता क्या है वो सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। तो जो हाइपोडर्मल रीजन है, ठीक है, तो हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यूसेलस टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर पोल, तो जो पूरा प्रोसेस देखेंगे पहले हम लोग, तो दी हाइपोडर्मल रीजन ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर पोल, वो सेल हाइपोडर्मल रीजन का जो सेल है कहाँ पे, तो न्यूसेलस का, और किस रीजन का, तो जो जिधर माइक्रोपाइलर एंड है उधर का, तो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर के तरफ वाला जो हाइपोडर्मल रीजन का सेल है वो कन्वर्ट होता है चेंज इनटू आर्की एस्पोरियल सेल। और ये जो आर्की एस्पोरियल सेल में बनेगा, वो आर्की एस्पोरियल सेल में न्यूक्लियस बहुत अच्छे से होंगे, हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओके। अब देखो, एंड नाउ आर्की एस्पोरियल सेल, दैट मीन्स ये जो आर्की एस्पोरियल सेल है अब वो डिवाइड करके
बाकी एस्पोरियल सेल डिवाइड टू फॉर आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल, आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल में बनेगा एंड और या इसी को वॉल सेल कहेंगे एंड इनर एस्पोरोजिनस सेल। और फिर एस्पोरोजिनस सेल में अंदर वाला एस्पोरोजिनस सेल और बाहर वाला पेराइटल सेल, और ये पेराइटल सेल ही जो है वो 1 to 2 लेयर का वॉल बनाएगा। पेराइटल सेल फॉर्म्स वॉल एंड एस्पोरोजिनस सेल गेट चेंज इनटू मेगा स्पोर मदर सेल, और वो क्या बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल। अब नेक्स्ट, मेगा स्पोर मदर सेल, जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो क्या करेगा, तो मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन में जाएगा, अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लोइड सेल। तो यहां पर मियोसिस हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिप्लोइड होगा, फॉर्म 4 हैप्लोइड सेल और टेट्राड, तो 4 सेल बने। इन विच 3 सेल आर डीजेनरेट थ्री सेल आर डीजेनरेट एंड 1 सेल इज एक्टिव एट चलाजल रीजन एट चलाजल पोर। तो चलाजल पोर के तरफ में 4 में से 3 जो होंगे मर जाएंगे, जो चलाजल पोर पोल के पास में जो एक सेल बचेगा वो एक्टिव रहेगा, वो नहीं मरेगा, वो रहेगा। डेड सेल इज एम्ब्रियो सैक, और वो जो सेल होगा वही होगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक तो बना, अब एम्ब्रियो सैक अभी एक सिंगल सेल है। अब हेडिंग देखेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक देखेंगे। तो एम्ब्रियो सैक के जब डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे, तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक गोज इनटू 3 फ्री न्यूक्लियर थ्री फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब वो जो एम्ब्रियो सैक बना है बेटा, वो 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक में पहले न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, ओके, गोज इनटू 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
अब ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो वो न्यूक्लियर डिवीजन होने से क्या फायदा है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब पहला माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, और जिसमें से दो जो न्यूक्लियस बनेंगे वो दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन फॉर्म्स टू न्यूक्लियाई एंड दीज न्यूक्लियस इज रीच एट पोल। अब वो पोल पे बन गए, चले गए, पोल पे जाने के बाद नाउ दीज नाउ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस फर्दर गोज टू टू माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। अब फिर से दो माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, टू माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन फिर से दो बार एंड फाइनली फॉर्म फॉर्म एट न्यूक्लियस वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल रीच एट सेंटर एंड देन मेम्ब्रेन आर फॉर्म दैट इज साइटोकाइनेसिस, और तब जाकर के साइटोकाइनेसिस होगा। फाइनली ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज एम्ब्रियो सैक इज एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल्ड स्टेज। और ये जो हुआ फाइनली एक एम्ब्रियो सैक में आठ न्यूक्लियस और सेवन सेल होंगे। अब अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, और इनका जो एंटीपोडल सेल होगा, एग सेल जो होगा वो चलाजल साइड में रहेगा, और एंटीपोडल सेल जो होगा वह नहीं एंटीपोडल सेल जो होगा वो चलाजल साइड में जनरली रहता है। अभी एक स्ट्रक्चर बना देता हूं तब उधर एक लाइन लिखूंगा। पहले
अब देखिए, इन दोनों सेल को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड सेल और इसको कहते हैं हम लोग एग सेल, और दोनों सेल को मिला करके हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई, और इसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। और ये जो तीनों सेल हैं ये तीनों कहलाते हैं एंटी पोडल सेल, ये तीनों। तो ये सिनर्जिड सेल दोनों, एग सेल, और इसको कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इनका काम क्या क्या है? ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8 न्यूक्लियस, और टोटल कितने सेल, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 सेल हुआ। समझ में आ गई बात? अब जो ये डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल है वो जनरली चलाजल साइड में होता है, एंटीपोडल सेल आर जनरली लोकेटेड एट, नॉट ऑलवेज, इसलिए जनरली किया हूं, एट चलाजल साइड, एट चलाजल साइड एंड एंटीपोडल सेल आर जनरली लोकेटेड एट चलाजल साइड, एंटीपोडल सेल आर जनरली लोकेटेड एट चलाजल साइड एंड एंड एग सेल एंड माइक्रोपाइलर साइट। अब यहां पर जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये कैसे हो रहा है उसको दिखाता हूं। अगर ये डायग्राम बना, यानी एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक हो गया, फिगर या स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का ये एक स्ट्रक्चर हुआ, देखें आप लोग। तो ये 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो डेवलपमेंट ऑफ ये जो हमारा है एम्ब्रियो सैक, उसमें में देखेंगे कि क्या हो रहा था। तो अगर एक एम्ब्रियो सैक बना पहले, और इस एम्ब्रियो सैक में यह न्यूक्लियस है, हमने बोला कि ये एम्ब्रियो सैक पहले 3 बार फ्री माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। तो जब फर्स्ट माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन किया, तो ये पहले 1 से 2 न्यूक्लियस को बना लिया, और जब 2 न्यूक्लियस बने तो दोनों न्यूक्लियस जो है वो इधर और ये इधर के पोल पे आ गया। देन यहां पर सेकेंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन किया, तो जब ये इधर आएगा और ये इधर आ गया, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब सेकेंड करेगा, तो यहां से 2 सेल और यहां पर भी, सॉरी, 2 न्यूक्लियस और इधर 2 न्यूक्लियस। उसके बाद फिर थर्ड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, तो अब थर्ड होगा, तो यहां पर 2 से 4 न्यूक्लियस, ये दोनों के 4 न्यूक्लियस, तो फाइनली जो है वह इस तरह से
फोर न्यूक्लियस बन गए, टोटल आठ न्यूक्लियस। और जब ये आठ न्यूक्लियस हो जाता है तो एक न्यूक्लियस ऊपर से यहाँ पर सेंटर पे और नीचे से भी एक सेंटर पे आते हैं, तो दो न्यूक्लियस सेंटर पे आना है। देन आफ्टर वो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये दो न्यूक्लियस हो गए। अब ये जब टोटल आठ न्यूक्लियस हो गए, देन आफ्टर मैंने लिखा है कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन आता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस करेगा, तो कुछ इस तरह से बन जाते हैं ये। मेम्ब्रेन आएगा यानी साइटोकाइनेसिस किया। अब इसी का ये फाइनल स्ट्रक्चर यानी ये इस तरह से डेवलप हो गया, और इसीलिए इसका अलग अलग नाम दे दिए। ये हो गया, तो इधर वाले को हमने क्या बोल दिया, दिस इज द एंटीपोडल स्ट्रक्चर, पूरा बना हुआ है आपका। तो ये पूरा इस तरह से डिवीजन चला और एक फाइनली जो है वह एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। तो यही है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, अब आइए बेटा, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको देखें चलिए, तो फाइनल एक में अब एम्ब्रियो सैक जो है, तो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये फाइनल लिखेंगे एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक एक फीमेल गैमेटोफाइट है। अब आइए, तो पूरा अगर रिवीजन के तौर पर जैसे हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पूरी इस बातें यानी पोलन ग्रेन जो बना था वो सारा चीज़ जो एक बार में देखे थे हम लोग, तो उसी चीज़ का यहाँ पर भी हम लोग एक पूरा एक फ्लो चार्ट में पूरा रिवीजन के तौर पर लेके चल सकते हैं। तो जैसे देखिए, पहले क्या था, गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या आया, कार्पेल। कार्पेल दो तरह से, एक मोनोकार्पेल और दूसरा मल्टीकार्पेलरी। और मल्टी दो तरह से, कौन कौन, एक होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। कार्पेल, कार्पेल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर आपको बताया मैंने ओवेरियन कैविटी, ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लासेंटा। प्लासेंटा कैसा होता है, तो पैरेन काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में अब प्लासेंटा, प्लासेंटा से अराइज होता है कौन, तो मेगा स्पोरेंजियम, जिसे हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं। अराइज हुआ
मेगा मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को ही क्या कह रहे हैं, ओव्यूल्स। क्या हो सकता है प्लांट में सिंगल ओव, एक ओवेरी के अंदर सिंगल भी ओव्यूल हो सकता है, जिसका एग्जांपल वीट, पैडी, मैंगो, और मल्टी भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल वाटरमेलन, पपाया, ऑर्चिड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आ गया ये बात, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट जो है, तो ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, तो ओव्यूल के अंदर बनता है आर्की, एस्पोरियल सेल, और आर्की एस्पोरियल सेल डिवाइड करता है तो क्या बना देता है, फिर उसी तरह आउटर पेराइटल सेल और दूसरा इनर एस्पोरोजिनस सेल, और इनर एस्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट होता है मेगा एस्पोर मदर सेल में। किसमें? मेगा एस्पोर मदर सेल में। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, एमएमसी। अब मेगा एस्पोर मदर सेल, अब यहां तक जितने भी चीजें हैं ये सब कार्पेल 2N, गाइनोसियम 2N, यह भी 2N, ये भी 2N, यहाँ भी 2N, ओवेरियन कैविटी, प्लासेंटा, मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, आर्की एस्पोरियल सेल, पेराइटल सेल, एस्पोरोजिनस सेल और मेगा स्पोर मदर सेल, यह भी 2N। तो ये जो 2N है मेगा स्पोर मदर सेल, अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आया मियोसिस। अब जब इसमें मियोसिस हो गया तो ये क्या बना देगा, टेट्राड यानी कि मेगा स्पोर, अभी देखेंगे। तो ये अब एक बड़ा दिखाया है, इसके पीछे रीजन है कि अनइक्वल डिवीजन करता है, एक लार्ज सेल बनेगा जो एक्टिव होगा, बाकी जो है तीन वो डिजनरेट कर जाएंगे। अब मियोसिस किया, ये टेट्राड बना, टेट्राड के बाद में ये जो तीन है ये डिजनरेट कर जाएंगे, और एक लार्ज यहां पर ये जो बचा, अब ये हो गया एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक थ्री माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन पहले तीन बार कर लेता है, तब ये बनाता है क्या, तीन बार माइटोटिक डिवीजन करेगा तो तीन तरह के सेल है यहाँ बनाया ये, ओके। एक बनाया टू सिनर्जिड सेल, वन एग सेल और थ्री एंटीपोडल सेल, ये तीन अलग अलग तरह के सेल बना दिया। अब फाइनली फाइनली हाँ सिनर्जिक सेल और एक सेंट्रल सेल, सेल या पोलर न्यूक्लियाई, हो गया चार अलग अलग तरह के बना दिया। तो फाइनली ये जो हुआ, फाइनली एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल स्टेज, एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल स्टेज, ओके। अब चलेंगे, आइए
अगर किसी तरह से ये हो गया ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा का पूरा पार्ट डेट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस और जो एम्ब्रियो सैक बना ये एम्ब्रियो सैक दिस इज द मेगा स्पोर या इसी को फीमेल गैमेटोफाइट ओके और इस अब जैसे वहाँ पर पॉलन ग्रेन बना था तो उसमें वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल आ रहे थे, हमने आपको बोला था कि पॉलन ग्रेन पार्शियल मेल गैमेटोफाइट है, उसी तरह से इसको भी पार्शियल कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन रूप से एग सेल है वही फर्टिलाइजेशन में जाता है और इसी एग सेल के फ्यूजन से सीड का फॉर्मेशन होता है और जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है वहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि दो जेनरेटिव सेल बने हैं। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आएंगे तो पूरा बताएंगे ही, अभी आगे आने वाला है पूरा टॉपिक। तो जो सेंट्रल सेल है या उसके पास दो न्यूक्लियस हैं वह भी एक जेनरेटिव सेल के साथ फ्यूजन करता है और वह फ्यूजन करने के बाद तो वह सेंट्रल सेल जो है वह एंडोस्पर्म बनाता है, वो आगे की बातें हैं देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक की बातें जो हैं वो रिवीजन हो गई हमारी, मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। अब आइए मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद में अब हम लोग को टॉपिक देखना है पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा पॉलिनेशन। ओके कितना देर हुआ? 30 मिनट अभी। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को देखिए, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सभी लोग जानते होंगे, 9th 10th में पढ़ा होगा पॉलिनेशन क्या है कैसे होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार हम लोग चल के देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल प्लांट में जनरली देखो कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए फर्टिलाइजेशन तो होना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं तो न्यू प्लांट का डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना पड़ेगा। किसको? मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना पड़ेगा। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं या जो एजेंट होते हैं वो इसमें मदद करते हैं। ओके तो देखिए, इन प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है ना? अब ना मेल गैमेट मोटाइल है ना फीमेल गैमेट मोटाइल है, दोनों गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है। इम्प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। फॉर द फर्टिलाइजेशन For the fertilization, male gamete reaches at male gamete arrive to female gamete
फीमेल गैमेट थ्रू थ्रू वेरियस एजेंट। तो कुछ एजेंट के मदद से, एजेंट हुआ, फैक्टर हुआ, जो भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के मदद से तो मेल गैमेट पहुंचेगा कहाँ, फीमेल गैमेट तक। तो मेल गैमेट रीच अराइव टू फीमेल गैमेट, दिस इज नोन एज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब देखो ये जो एजेंट हैं, फैक्टर हैं, ठीक है, वह एजेंट क्या करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं तो इसकी पॉलिनेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, पपाया, डेट पाल। अब मेल प्लांट पे एंथर बनेगा और फीमेल प्लांट पे मेगास्पोर यानी कि एम्ब्रियो सैक बनेगा, यानी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की तो जरूरत पड़ेगी, और वही मीडियम जो है वह है या तो वाटर हो सकता है, या फिर कोई एनिमल्स हो सकता है, या फिर एयर हो सकता है, तेज हवा चले तो हवा में मिक्स होकर के वो उस एरिया तक को ट्रेवल कर सके। तो ये जो एजेंट है, पानी हुआ, हवा हुआ, या कुछ एनिमल्स हुआ, एनिमल्स में इंसेक्ट या हनी भी, ये सारे, ठीक है। तो जैसे और हनी भी तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चींटी वगैरह एंट भी रोल प्ले करती है, चमगादड़ भी रोल प्ले करता है, और कुछ दूसरे एनिमल्स हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो हनी बी का है। तो वो हम लोग देखते हैं कि हनी बी बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती है। एंड दिस या द एजेंट एजेंट डेट पार्टिसिपेट्स इन पॉलिनेशन कॉल्ड पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट आर वाटर, एयर, एनिमल्स। और ये पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, और एनिमल्स हो सकता है। अब देखो कि प्लांट जो होते हैं वो दो तरह के, एक होता है मोनोसियस प्लांट, दूसरा होता है डायोसियस प्लांट, ओके। फिर अगर कोई प्लांट है तो उसके ऊपर मेल फ्लावर अलग हो सकता है या फीमेल फ्लावर अलग हो सकता है, और प्लांट ऐसे हैं जिस फ्लावर के ऊपर ही मेल और फीमेल सेक्स दोनों ऑर्गन एक ही जगह हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट हमें देखने को मिल रहा है, अलग अलग फ्लावर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मोड ऑफ जो पॉलिनेशन होगा वो हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। अब जैसे इसके पहले आप देखो कि आपने पढ़ा था ट्रीडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा और ब्रायोफाइटा या एल्गी में भी पॉलिनेशन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए वो लोग वाटर पे डिपेंड करते हैं, बिना वाटर का पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। और जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि चलो इनको जो है, और चूंकि फ्लावर है तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो है वो इस तीन अलग अलग मीडियम से हो जाता है। तो उसके पहले जो मेन फर्टिलाइजेशन कराने वाले जो मीडियम है वो वाटर ही रहता है, खास करके एल्गी के लिए, ब्रायोफाइटा के और टीडोफाइटा तक के लिए। टीडोफाइटा को हम लोग कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए भी कंसिडर नहीं करते हैं, है तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा तो खास करके, तो ब्रायोफाइटा है
जमीन पे ही होता है लेकिन उसको कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए डिपेंड करता है वाटर पे। तो ये पॉलिनेशन जो है वो इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग वेरियस टाइप्स के प्लांट हैं और वो एक मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट, ठीक है, फ्लावर में भी मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, इस वजह से। और इसके बेसिस पर आगे हम लोग देखेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर, ये सब कैसे फ्लावर होते हैं, क्या होता है, ये पूरा डिटेल हम लोगों को करना है। तो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब आपको एक्चुअल में आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, मेजर टेस्ट। आपका जो मेजर टेस्ट है वो कंडक्ट होने वाला है इस संडे को 9:05 को शायद, जो संडे पड़ रहा है। तो अब आपका, पहले मैंने डिसाइड किया था कि दो लेसन रहेगा लेकिन एग्ज़ाम पहले आ गया, तो एग्ज़ाम पहले आ गया तो ये करंट लेसन भी अभी नहीं दे सकते हैं, इस लेसन का सेपरेट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इसके पहले जो लेसन है यानी ये प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कल एक बच्चे का डाउट आया था, ऑस्टियस साइकिल, साइकिल के बारे में, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए बेटा, एनसीईआरटी में होगा, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन का पार्ट में है। और पार्थेनोजेनेसिस भी एक टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं आपको रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि पहले रिप्रोडक्शन समझ लेंगे तब पार्थेनोजेनेसिस और एपोमेक्सिस समझेंगे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इस लेसन का पहले टेस्ट आ गया है तो इसको करेंगे हम लोग। ऑस्टियस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्टियस साइकिल का मतलब होता है कि जो एनिमल किसी एक पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर सीजन, जैसे डॉग में, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में डॉग देख सकते हैं। तो वैसे एनिमल जो होते हैं वो ऑस्टियस साइकिल को फॉलो करते हैं, यानी उसमें ऑस्टियस साइकिल चलता है। और एनिमल ब्रीडिंग इन एवरी सीजन, जो किसी एक पार्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग नहीं करते हैं, सभी सीजन में करते हैं होल ईयर, तो उसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्रीडिंग इन एवरी सीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट सेशन में आते ही नहीं है, 3 से 4 बच्चे आप लोग ज्वाइन करते हैं डाउट सेशन में, उसमें से ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के पास डाउट ही नहीं होता है। तो प्लीज पढ़िए, एक छोटा सा लेसन है, अगर उसमें कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन को ज्वाइन कीजिए, तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। आपको मॉनिटर करने के लिए अभी हम सामने नहीं हैं, जब आप यहाँ आते थे तो आपकी मॉनिटरिंग आसान थी मेरे लिए, लेकिन अभी आपकी मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। तो ये बी ऑनेस्ट, खुद में ईमानदारी के साथ इस चीज़ को मॉनिटर कीजिए और स्टडी कीजिए। अब एक टॉपिक है आपका पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, पार्थेनोजेनेसिस जो है वह पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हो क्या होता है कि सीड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन या एनिमल प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि प्रोडक्शन तो होगा, जैसे बनाना वगैरह जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन का एनिमल या सीड का प्रोडक्शन होता है, बन जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन का। तो इसीलिए ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक नेता है
ठीक है, और एक इनकम्प्लीट होता है। तो नेचुरल और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है हनी बी में। हनी बी का पूरा चलेगा आपको, जेनेटिक्स में भी हनी बी का पूरा रोल है, देखेंगे कैसे होता है। और यार रिप्रोडक्शन आएगा तो उसमें भी चलेगा, एनिमल का पार्ट है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे। और दूसरा, जैसे पार्थेनोजेनेसिस हमेशा याद रखे कि जो इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन, तो पार्थेनोजेनेसिस सीड एनिमल प्रोड्यूस विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड और एनिमल कोई भी चीज जो है वह प्रोड्यूस होगा बिना फर्टिलाइजेशन का, उसी को कहते हैं हम लोग पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस अभी मैंने आपको बताया कि ये दो तरह का है, एक है कंप्लीट और दूसरा है इनकम्प्लीट। कंप्लीट वाले में क्या होता है और इनकम्प्लीट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। बस इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल जो है, यानी आर्टिफिशियल, ये अभी आपको समझने के लिए दे रहा हूँ। आप अगर इसको नोट डाउन करना है तो आप फर्स्ट लेसन में कर लेंगे लास्ट में इसको, और नहीं तो इस लेसन के भी लास्ट में। एक्चुअली पहले प्लानिंग थी हमारी दोनों लेसन का साथ में टेस्ट लेने का, तो चूंकि अब ये लेसन पहले आ गया तो ये छोटा सा पॉइंट जो है वो यहाँ पे अभी समझा दे रहा हूँ। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का मतलब कि जिसमें सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही न्यू ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो है वह डेवलप होते हैं। तो ये कुछ एनिमल में हमें देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल के रूप में हनी बी, ये सॉरी इनकम्प्लीट में हनी बी आते हैं, और इसमें जो होता है वह है लिजार्ड का डेफिनेशन भी दे देता हूं। ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, और एग्जांपल लिजार्ड, कुछ लिजार्ड में ऐसा हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल देता हूं मैं, लेजार्ड फ्रॉम अर्मानिया, ये वहाँ के लिजार्ड में खास करके देखने को हमें मिलता है। और दूसरा होता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस
में क्या होता है कि बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस अकर्स, यानी दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी और पार्थेनोजेनेसिस से भी। तो जब दोनों तरह से रिप्रोडक्शन करता है इसलिए यह इनकम्प्लीट हुआ। और इसी का एग्जाम्पल है हनी बी, हनी बी में दोनों चीज़ देखने को मिलता है। और आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस यानी कि कुछ प्लांट हार्मोन को यूज करके उस प्लांट को हम लोग इंड्यूस करते हैं किसके लिए, तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के लिए। यानी यह एक आर्टिफिशियल मेथड है, यानी स्टिमुलेट करते हैं कुछ केमिकल्स या हार्मोन का यूज करके, स्टिमुलेट फॉर पार्थेनो जेनेसिस बाय यूज ऑफ सम हार्मोन और केमिकल। तो ये हुआ आर्टिफिशियल, बस इतना ही अभी आप इतना समझ लीजिए, आपका इतने से सफिशियंट है, इतना से आराम से काम चल जाएगा। ओके चलेंगे अब। और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अभी फ्रूट अभी हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं, इसलिए तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब कि जो फ्रूट सीडलेस होते हैं, यानी कि फ्रूट डेवलप विदाउट सीड, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट डेवलप विदाउट सीड, एग्जाम्पल बनाना। तो वैसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। चलिए यहाँ तक की बातें, अब इसके आगे की बातें हम लोग पूरा पॉलिनेशन का जो टर्म है वो पूरा आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके थैंक यू।